बोलिए नीरज। हाँ सर, हम सीएमए इंटर के स्टूडेंट हैं। जून 22 में मेरा एग्जाम है, तो मेरा कुछ क्वेरीज है। जैसे अभी मेरा लेक्चर्स चल रहा है, 1 मंथ हुआ है लेक्चर्स चल रहा है, तो बहुत सारा लेक्चर्स कंप्लीट हो गया। जैसे कंट्रोल अकाउंटिंग तक मेरा कंप्लीट हो गया है, तो ओल्ड टॉपिक्स को कैसे रिवाइज करेंगे लेक्चर्स के साथ? गुड क्वेश्चन। हाउ टू रिवाइज ओल्ड टॉपिक्स? यस, ड्यूरिंग लेक्चर। तो इसका तरीका क्या होता है नीरज? नॉर्मली मैं बोलता हूँ हमेशा मंडे टू सैटरडे क्लासेस करो, संडे को रिवीजन डे रखो। तो संडे संडे क्या करना चाहिए, कोई भी एक चैप्टर पुराना उठा के उसको, उसका कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। जैसे आप सीएमए इंटर के स्टूडेंट है तो इंस्टीट्यूट मैट उठा लिए, और जैसे मटेरियल चैप्टर हो गया तो मटेरियल चैप्टर का इंस्टीट्यूट मैट में जितना सवाल है उसको बनाइए। कुछ बनेगा कुछ नहीं बनेगा, जो नहीं बनेगा उससे दिमाग चालू हो जाएगा, और जो बन जाएगा उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो उसका लाइन बाय लाइन करते रहना चाहिए सीक्वेंस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके इस तरह से आपको आगे बढ़ाना चाहिए। उसमें से कुछ कुछ चैप्टर्स का यूट्यूब में हमारा वीडियोस भी डाला हुआ है, आप उसको रेफर भी कर सकते हैं। बट हमेशा याद रखो कि संडे संडे रिविजन करें। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इस संडे आपने मटेरियल कॉस्ट, हाँ सर, इस संडे मटेरियल कॉस्ट किया, अगला संडे लेबर कॉस्ट किया फॉर एग्जाम्पल, तो आपको लगेगा फिर मटेरियल कॉस्ट भूल गए। तो रूल क्या होता है कि रिवीजन में जब भी नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे तो 10 मिनट एक कोई भी पुराना चैप्टर को उठा लेंगे। अब मान लीजिए दो चैप्टर हो गया, मटेरियल लेबर हो गया, ओवरहेड में आ गए, तो आपको लग रहा है कि अरे मेरा तो दो पुराना हो गया। तो पुराना जब वापस से रिवाइज कर रहे हैं तो 2 मिनट 5 मिनट कोई भी एक कॉन्सेप्ट देख लिया, कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा पूरा देखना है पुराना। दिमाग में क्या होता है ना कि कोई भी उससे कनेक्टेड एक चीज़ अगर रिवाइज हो जाता है ना तो पूरा चैप्टर एनलाइटन हो जाता है। आपको एक हमारा रिवीजन बुक मिला हुआ है, समरी बुक, आप उसी से रिवाइज करिए। बट अभी क्या करना चाहिए, संडे को पहले बैठ के इंस्टीट्यूट मैट का कुछ कुछ क्वेश्चंस बनाते रहना चाहिए, वो पहला स्टेप है। वो जब हो जाए उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि अगर नेक्स्ट वीक आ गया तो मटेरियल चैप्टर हो चुका है, लेबर में आ गए तो मटेरियल का भी ऐसी 5 मिनट पेज घुमा लिया कि हाँ ईओक्यू क्या होता है, स्टॉक लेवल का फॉर्मूला याद है कि नहीं है, स्टॉक आउट क्या होता है, टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं, बस एक बार पेज घुमा लिया और फिर लेबर में घुस गए। फिर जब मटेरियल लेबर दोनों हो गया, ओवरहेड में आ गए फॉर एग्जांपल, तो ओवरहेड में आने के बाद क्या करने गए, ओवरहेड का प्रैक्टिस करना है और मटेरियल का थोड़ा और कम समय दिया और जल्दी से कि हाँ मटेरियल में यो क्यू था, स्टॉक लेवल था, स्टॉक आउट था, लेबर में थोड़ा सा ज़्यादा समय दिया कि हाँ हालसे का फॉर्मूला क्या है, रोहन का फॉर्मूला क्या है। ऐसे सीक्वेंस में रिविजन चलते रहता है। कभी कोई कोई चैप्टर नहीं भी होता है कोई बात नहीं है, वैसा कोई परवाह नहीं करना है, बट आपको हर संडे रिवीजन डे रखकर अपना पढ़ाई करना चाहिए। यस, जैसे अभी न्यू पैटर्न आ गया है और हम लोग का ऑनलाइन होगा, तो अगर पहले से हम लोग को एग्जाम में दे दे टेबल दे दे तो हम लोग का जैसे हम लोग लेक्चर्स में ऑल्टरनेटिव वे में भी यूज करते हैं, बहुत सम्स बनाते हैं, तो एग्जाम्स टाइम में अगर हम लोग जाएंगे वहाँ पर अगर प्रॉब्लम ये फेस हुआ उस टेक्निक में हम लोग नहीं किए तो उसका प्रैक्टिस कैसे ओवरकम कर सकते? वो तो इंस्टीट्यूट मैट से आप सॉल्व करेंगे ना तो उसी का ही कॉपी पेस्ट होगा। तो इंस्टीट्यूट मैट सॉल्व करते समय वो सब ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस या एमसीक्यूज आएंगे तो वो कहां से प्रैक्टिस करें सर? जैसे इंस्टीट्यूट मैट से करना है, उतना नहीं है, बहुत है, थोड़ा बहुत है वो इनफ है। हां, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट ही काम आता है। उसके अलावा इंस्टीट्यूट का वर्कबुक है, उसमें कुछ मिलेगा, इंस्टीट्यूट की तरफ से बिट क्वेश्चन बोल के एक बुक है, उसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है। हम लोगों का YouTube चैनल पे पोल चलते रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, टेलीग्राम में पोल चलते रहता है, उसमें क्या है ना कुछ कुछ करते रहने से दिमाग में वो चालू रहता है, नहीं आंसर आया खोजा इधर उधर पता लगाया सीख गए। आपका जो YouTube में वीडियोस अपलोड किया हुआ चैप्टर वाइज मटेरियल के सर, वो भी फॉलो करते हैं सर? जैसे हम ये मटेरियल चैप्टर का पूरा
कर लिए हैं, वो जो इंस्टीट्यूट में साफ कराए थे उसके साथ अभी ओवरहेड में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे एब्जॉर्प्शन वाला जो पार्ट है उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कैपेसिटी वाला में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये दो में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन रेट होता है थोड़ा सा निकालने समझ में नहीं आता किसी का। देखो कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल सा है, एब्जॉर्प्शन रेट क्यों निकालते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं कि खर्चा को चार्ज करना है कस्टमर से लेना है। अब ओवरहेड मेरे को टोटल मालूम है, मैं आपसे कितना लूँ, मेरे SJC का टोटल ओवरहेड 1 करोड़ रुपया है मान लीजिए, मैं आपसे 1 करोड़ रुपया ले सकता हूँ क्या, क्योंकि उसमें तो सिर्फ आप नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो एक रेट निकालना पड़ेगा जिससे हम आपको चार्ज करेंगे, वही ओवरहेड रेट है। हाँ वो क्वेश्चन में बहुत टाइम क्या होता है जैसे देखते हैं ना समझ में नहीं आता यहाँ पर क्या फॉर्मूला क्या है क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट है खाली कि ओवरहेड खर्चा कितना है और चार्ज करने का बेस क्या, आवर है कि यूनिट्स है, बस ये दो चीज पकड़ना है फिर रेट निकाल के चार्ज कर देना है। अभी जैसे कंट्रोल कॉस्टिंग की है, कंट्रोल अकाउंटिंग हो गया है मेरा कल लेक्चर कंप्लीट हुआ उसका, उसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अंडर एंड ओवर का, पहले तो समझ में नहीं आ रहा था अंडर ओवर में कंफ्यूज हो जा रहे कोई कोई चीज हो जाता है कभी कभी, माइंड इक्वली हमेशा काम नहीं करता है ना, तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, बट घबराना नहीं चाहिए, वैसा क्वेरी कभी आए नोट कर लेना चाहिए। नॉर्मली मैं हमेशा स्टूडेंट लोग को बोलता हूँ कि आगे जाते रहने से कभी भी कभी कोई चीज कभी अटका हुआ आगे सुलझ जाता, रुकना नहीं चाहिए आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो सॉल्व हो जाता है। और फिर भी हर चैप्टर का रिविजन क्लास यूट्यूब में डाला हुआ है, तो उसमें पूरा कॉन्सेप्ट को फिर से सिखा रहे हैं, तो आप उसको भी सुनेंगे तो आपका फिर कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा से पढ़िए, थैंक यू।